देश व प्रदेशों की सरकारें विकास के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, आंकड़े भी विकास की गाथा पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत विकास से परे है। आपको बता दें कि जिले के मानपुर जनपद स्थित ग्राम कसेरू के सरैया मोहल्ले में गांव के लोगों द्वारा निर्मित झोपड़ी में शासकीय प्राथमिक पाठशाला का संचालन हो रहा है। यहां एक दो नहीं बल्कि गरीबों के तीन दर्जन से अधिक पहली से पांचवी तक के मासूम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज 20वीं सदी में जब देश विकास की नई गाथा लिख रहा है, तब देश में शैक्षणिक संस्थाओं का ये हाल जिम्मेदारों के लिए बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि शासकीय भवन ना होने की वजह से जिम्मेदार शिक्षक करीब 8 से 9 वर्षों से गांव के ही दयाराम सिंह के मकान में बच्चों को अध्यापन कार्य कराते रहे हैं। वहीं अब सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों किसी ने सुध नहीं ली। नाम न छापने की शर्त पर स्थानीय ग्रामीण ने दुखी होकर बताया कि प्राथमिक पाठशाला के लिए करीब 27 लाख स्वीकृत भी हुए, ऐसा हमें बताया गया था, पर गरीबों की कौन सुध लेता है। शिक्षा ग्रहण कर रहे मासूम छात्र देश का भविष्य हैं और इन मासूमों को शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में शुरुआती दिनों में ही कमी दी जा रही है, लेकिन शायद इनकी शैक्षणिक गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो जिस विकास की परिकल्पना को साकार करने में देश की सरकारें जुटी हुई हैं, शायद मुश्किल है फिर। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि खबर उमरिया की है, जहां बताया गया है कि सरकारी मदद ना मिलने से ग्रामीणों ने, जो यहां स्कूल लगाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की कहीं ना कहीं ये शिकायत है कि बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शायद इनकी शैक्षिक जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित कर सकती है, उनके आगे फ्यूचर का भी सवाल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और अगर ऐसा हुआ तो जिस भी विकास की परिकल्पना को अगर साकार करने में देश की सरकारें जुटी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से भी बच्चों के भविष्य की कई सवाल खड़े होते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता उमरिया से संदीप तिवारी जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये झोपड़े में जो है वो स्कूल लगाया जा रहा है, क्या लगता है इनका भविष्य क्या होगा, जब हम ये देख सकते हैं कि झोपड़े में पढ़ाई करवाई जा रही है। हालांकि सरकारी स्कूल हर जिले में मौजूद होते हैं, हर तहसील में मौजूद होते हैं, लेकिन वहां की बात की जाए तो वहां भी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार होते हैं तो उनकी कमी से बच्चों के भविष्य पे कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उमरिया जिले के मानपुर स्थित ग्राम कसैया गांव सलैया के मामला है ये जी। आज देश में 75वां आजादी का महाउत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरे ओर देखा जा रहा है कि झोपड़ी में 5वीं से तक के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है जी। ये दुर्भाग्य की बात है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ भाजपा की सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है, विद्यालय बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, शिक्षक के दावा कर रहा है, लेकिन ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं आज मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर में। संदीप, देखिए, जो सरकारें हैं वे लगातार प्रयास कर रही हैं, विकास के कामों को बढ़ावा दे रही हैं, लगातार शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान दे रही हैं, पानी, जल व्यवस्था और अन्य ऐसी कई सुविधाएं हैं। सरकारें जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन बात की जाए तो जिम्मेदारों की, जो जिम्मेदार है वो कैसे लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, ऐसे कब तक ये स्कूल लगता रहेगा, जिम्मेदारों का क्या कहना है, आपने बात की होगी? ये मानपुर जनपद लगता है और यहाँ की विधायक आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह रह चुकी हैं जी। कई पंचवर्षीय से यहाँ भाजपा का कब्जा है। ग्रामीणों को कहना कि 27 लाख की स्वीकृति हुई थी पाठशाला बनाने के लिए जी, लेकिन आज विद्यालय नहीं बना है, बच्चे झोपड़ी में रह के पढ़ने के लिए मजबूर है। ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की बात की जाए उनकी गलती है, कहीं ना कहीं यहाँ से बैठे आला अधिकारी शासन प्रशासन ज्यादा जो उनको बैठाया गया है उनकी गलती है कि उन्होंने आज तक क्यों ध्यान नहीं दिया। संदीप, क्या कहेंगे, किसके संज्ञान में ये बात है कि यहाँ पर झोपड़े में स्कूल लगाया जाता है, बच्चों के भविष्य को अगर देखकर बात की जाए
तो एक ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक बात कह सकते हैं इसको कि कैसे यहाँ शिक्षा पूरी हो पाएगी, वह क्या क्या सीख पाएंगे इस तरह से, किसके संज्ञान में है ये बात और कौन वो जैसे जिम्मेदार हैं जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारों तक बात पहुंची है, कहीं ना कहीं इस पे कोई ना कोई आगे का पहलू निकाला जाएगा। अगर सरकारी शासन के द्वारा क्या कोई आश्वासन दिया गया है, की गई है, किसकी ओर से आश्वासन दिया गया है? जिले यहाँ की जनप्रतिनिधि जो है कई बार मंत्री रह चुकी हैं, उनके उनसे बात हुई है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, जिले के कलेक्टर से भी बात हो रही है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। जल्द से जल्द कोई ना कोई जो स्वीकृत हुई है राशि वो कहाँ गई है, किसी लिए कहाँ पे रुका हुआ है, क्यों निर्माण नहीं हुआ है, आज बच्चे झोपड़ी में रह के पढ़ने के लिए क्यों मजबूर है, उनके भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको उमरिया से बता रहे हैं जहां झोपड़े में शासकीय प्राथमिक पाठशाला लगाई जा रही है, जहां जिम्मेदार हैं वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर जो भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है उस पर कहीं ना कहीं कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि आखिर कब तक इस बात की सुध ली जाएगी।